हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने समझा दिया था प्रीवियस वीडियो में. अब मैं समझा रही हूँ क्वेश्चन सेकंड. क्वेश्चन सेकंड है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इन फ्रैक्शंस के एडिटिव इनवर्स लिखने. अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे a प्लस b इज इक्वल टू जीरो. कोई भी दो नंबर जिसको ऐड करने पर आंसर आता है जीरो. जैसे प्लस का 7 है, इसका ऑपोजिट क्या हो गया -7, और इनको ऐड करने पर क्या आएगा जीरो. तो तुम्हें समझ में आया एडिटिव इनवर्स क्या होता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है 2/8. अब इसका राइट 2/8 प्लस का है, इसका राइट ऑपोजिट क्या है माइनस. प्लस का ऑपोजिट क्या होता है माइनस. तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2/8, क्योंकि प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा. तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स है -2/8. अब मैं क्वेश्चन सेकेंड समझाती हूँ जो है -5/9. अब -5/9 है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा +5/9, क्योंकि माइनस का ऑपोजिट क्या होता है प्लस. तो -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या है 5/9. समझ में आ गया. तो क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ तुम्हें ट्राई करनी है करने की. तो मैं अब क्वेश्चन थर्ड समझा रही हूँ. वेरीफाई दैट -(-x) = (x) फॉर. अब x की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में. फर्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या है 11/15 x की वैल्यू है. तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ तक है. ये इज इक्वल टू के आगे है राइट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में LHS इज इक्वल टू, LHS की फुल फॉर्म क्या होती है लेफ्ट हैंड साइड. तो ये माइनस की जगह माइनस ब्रैकेट, ये माइनस x एज इट इज लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड का. ये माइनस की जगह माइनस आ गया, ये माइनस की जगह माइनस आ गया. अब x की वैल्यू क्या थी 11/15, जो कि मैंने यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे लिख दी 11/15 -11/15. यहाँ तक समझ में आया. अब है माइनस, माइनस क्या होता है प्लस. तो 11/15 क्या हो जाएगा +11/15, जिसको हम कहेंगे 11/15. ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई 11/15 और x की वैल्यू क्या थी 11/15. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल. ये तुम लोगों को समझ में आया. क्वेश्चन सेकंड तुम्हें खुद को ट्राई करने की कोशिश करनी है. आई होप यू अंडरस्टूड. दैट्स इट फॉर टुडे.